मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने टीकमगढ़ जिले के मोहनगढ़ गांव में स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का उन्नयन कर 30 विस्तार वाले सीएचएससी अस्पताल खोलने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि रैकवार समाज के लोगों का निषाद भवन का निर्माण कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि 3 साल में कोई भी व्यक्ति आवास विहीन नहीं रहेगा। ये बात उन्होंने आम सभा को संबोधित करते हुए कही। साथ ही जन दर्शन यात्रा प्रारंभ करने से पूर्व पत्रकारों से चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता से दूर रहना पड़ा इतने दिनों, लेकिन आप फिर से जन दर्शन का कार्यक्रम प्रारंभ कर रहे हैं। इसमें जनता से अलग अलग जाकर जनता से हमें संवाद करना होगा, साथ ही साथ योजनाओं की जानकारी लेंगे, समस्या लेंगे और साथ ही जरूरत पड़ी तो स्पॉट पर ही फैसला करेंगे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि है, जनता ही भगवान है। राम राजा के दर्शन करके अब अपनी जनता के दर्शन के लिए निकल रहे हैं। पृथ्वीपुर विधानसभा के उपचुनाव को लेकर किए गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि उपचुनाव की बात तो पार्टी करेगी, मैं तो जनता के विकास और जन कल्याण की बात करूंगा। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस का काम तो आरोप लगाते रहते हैं, ट्वीट करते रहते हैं, बाकी कोई धंधा तो बचा नहीं। इसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जन दर्शन यात्रा को लेकर पृथ्वीपुर के लिए रवाना हुए। पहले हम गए ओरछा, राम राजा के दर्शन किए, राधे कृष्ण भगवान की भी पूजा की। पहले दर्शन राम राजा के, और उनसे एक ही प्रार्थना कि हमारे टीकमगढ़ और निवाड़ी जिले पर, पूरे मध्य प्रदेश की जनता पर मेरे प्रभु कृपा की वर्षा करना, आशीर्वाद की वर्षा करना। जन दर्शन का कार्यक्रम प्रारंभ कर रहे हैं और इसमें जनता से अलग अलग जगह जाके संवाद होगा, योजनाओं की जानकारी लेंगे, समस्याएं देखेंगे और जरूरत पड़ी तो फील्ड पर ही, स्पॉट पर ही फैसले करेंगे। लोकतंत्र में जनता ही सर्वोपरि है, जनता ही भगवान है। राम राजा के दर्शन करके अब अपनी जनता के दर्शन के लिए निकल रहे हैं।